मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मीनाक्षी तोमर व्लॉग्स। आई एम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माय चैलेंज फिटनेस चैलेंज। सो गाइस, हो गई है फ्रेश मॉर्निंग, निकल लिए अपनी मंजिल की तरफ और अब तो आदत सी है सुबह जल्दी उठने की, तो फटाफट से पहुँचते हैं। एंड आज 11th डे है गाइस, 10 पूरे 10 डेज कंप्लीट कर दिए, तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, 11 डेज से सीरीज स्टार्ट हो गई है टिल 30 डेज, सो 20 more days टू गो, तो 30 डेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी चलते हैं, पहुंचते हैं और करते हैं आज का वर्कआउट फिनिश। व्हाट अ फ्रेश मॉर्निंग। कल इस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, आज कुछ कम लोग हैं, आज कल ही 2 ही लोग हैं सुबह सुबह। एज ऑलवेज राधिका ऑन साइकिल। गुड मॉर्निंग भगवान जी, गुड मॉर्निंग गणेश जी। चल तो जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ तक ही। अच्छा, लेकिन अगर तबियत खराब हो जाएगी तो फिर कई दिन का गैप आएगा ना। नहीं, कम कार्डियो कर लेती है। कार्डियो कहाँ किया, 20 मिनट तो किया है वो, सिर्फ ट्रेडमिल। ट्रेडमिल 20 मिनट किया है, साइकिलिंग की है 40 मिनट का कार्डियो करके बोलती है कि मैंने कार्डियो किया ही कहाँ है। थोड़ा कम कार्डियो कर लेती, रनिंग मत करती। रनिंग 5 मिनट तो की है, कितने मिनट किया रनिंग से तो की जाएगी स्पीड पे। चलो फाइनली गाइस, जब कर लेते हैं ना सारा तो लगता है ओ माय गॉड, आज का टास्क पूरा, आज का टास्क पूरा हो गया ऐसा लगता है। वरना तो लगता है अच्छा अभी ये भी बचा है, अच्छा अभी ये भी बचा है, तो पूरा टास्क कम्प्लीट करने के बाद में लगता है बहुत अच्छा कर लेते हैं। अनुलोम विलोम और कपालभाती, अनुलोम विलोम और कपालभाती। उसके बाद पहुंची घर, घर पहुंच के आर्यन के लिए बनाया ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में थी कद्दू की सब्ज़ी और पराठे। उसके बाद में उसका लंच पैक किया, सब्ज़ी जैसे ही बन गई तो थोड़ा सा ठंडे होने के लिए सब्ज़ी को रखा, और उसके बाद में उसका टिफ़िन पैक किया, 2 पराठे रखे, एप्पल रखा और हो गया उसका टिफ़िन रेडी। आर्यन की बॉटल टिफ़िन एंड 2 बनाना इज़ रेडी। आर्यन आप रेडी हैं, जल्दी रेडी हो जाओ भाई, लेट हो रहा है, तो फटाफट रेडी हो ना भाई, इतना टाइम थोड़ी होता है। उठाओ फटाफट बैग, जीते रहो, फूलो फलो, खूब बड़े हो आगे। रुक जाओ, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, अच्छे से एग्जाम देना कृपया करके। ओके, लास्ट एग्जाम है, चलो बाय। ये वाली आई लग रहा है। एग्जाम कितने बजे ओवर हो जाता है? सबसे पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर रिवीजन का टाइम मिल जाता है सुबह,
रिवाइज कर लेते हो फिर? तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो अच्छे से रिवाइज कर लेना सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम ओवर होने के बाद डेफिनेशन गवर्नमेंट वगैरह की ढंग से एक बार अच्छे से देख लेना पूरा, मस्ती में मत रहना। हम लोग सबसे पहले वही देखते हैं कौन से, और रिवाइज करने के और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मस्ती है, फुल मस्ती। चलो बाय बाय। करके घर का सारा काम फिनिश, अब बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आज मेरे पास है फ्रूट्स की कलरफुल प्लेट, पपाया, एप्पल, बनाना। तो करते हैं ब्रेकफास्ट को एंजॉय, सारा काम कर दिया है फिनिश, अब ब्रेकफास्ट करके एनर्जी गेन करते हैं। आई होप आप सब भी अपनी डाइट के अंदर, ऑल दी वुमेंस आउट देयर, आप सब भी अपनी डाइट में फ्रूट्स और क्या बोलते हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप लोग भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे होंगे, ज़रूर करें। बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, आप बहुत हेल्दी फील करते हो, बॉडी में मतलब फुल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हर वक्त कुछ खाना है। सो चलिए कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय, उसके बाद करेंगे बचे हुए दिन का काम। सो टिल देन बाय। सारा काम फिनिश करके अब हो गया है लंच टाइम। आज लंच में है कद्दू की सब्जी, रायता, खूब सारा सैलेड एंड एक पराठा। तो कद्दू की सब्जी के साथ अगर पराठा नहीं खाया तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो हल्का सा लाइट घी लगा के मैंने ये पराठा बनाया है, और करते हैं फिनिश। खूब सारा सैलेड लिया है, दही लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोबायोटिक होता है दही, तो दही ले लिया। और थोड़ा सा करते हैं यूट्यूब कुछ देखते हैं, और करते हैं अपने लंच को इन्जॉय। सारा काम फिनिश करके अभी अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बज गए, तो 12:30 बजे हम कर रहे हैं अपना लंच, 12:30 एंड लंच टाइम। तो चलिए कर लेते हैं लंच और मिलते हैं आपसे आर्यन के आने के बाद, या फिर नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी होती है उसमें। टिल देन बाय। मैं तुम्हारा हाल दिखा रही हूँ, तो ऐसा ही हाल रहेगा। क्या, इस दोपहर में सोने का टाइम था और इनको इतना पार्लर जाने का शौक है ना, अपने चक्कर में मुझे मेरी और गाइस नींद खराब करते हैं। ये देखो पगलैट औरत को, ये आ गई है, पार्लर जाना है, पार्लर जाना है, पार्लर जाना है। अभी गाइस पार्लर में जाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, किसने कराया है, देखना किसने करवाया है। देखो चप्पल देखो गाइस कौशल की, देखो बदतमीज। हाँ कौशल जलेबी जैसी सीधी। गाइस दोपहर में सोने का टाइम, इतनी मस्त वाली नींद आती है ना, बॉडी रिकवरी होती है। लेकिन इसी का फोन आया था, इतनी मस्त नींद है ना ये। मैं अभी फ्री हुई तो मैंने फोन। देखो कितने झूठे लोग हैं, इसके बेटे का बर्थडे है, इसे आईब्रो बनानी है, ये सब बनवानी है। हाँ इसे ये सब कुछ करवाना है, इसमें रिकॉर्ड करके बताऊंगी। देखो देखा आ गया ना सच सामने, तो मुझे क्या, मुझे भी थ्रेडिंग करवानी है बस। वो तो इसने जबरदस्ती बुलाया है, तो मैंने कहा थ्रेडिंग करवा लूं। चलो लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई, चलो चलो चलो। देखो घर वालों का फोन आ रहा है, पर घर वालों से बात नहीं करना चाहती, पार्लर में जाने का इतना शौक है इसे। छो एक बार बोल के दिखाई, एक बार बोल के दिखा, नहीं चल रहे है ना, एक बार बोल के दिखा। नहीं बोलो वही हरियाणा राजस्थानी बोल, बोल तो रही हूँ, बोलते राधिका पागल है ऐसे राजस्थानी। मीनाक्षी बहुत सुंदर है, राधिका बहुत फूट रही है, मीनाक्षी बहुत सुंदर है बोलना था ना, है ही नहीं मीनाक्षी सुंदर, कैसे बोलूं राधिका तो सुंदर है। गाइस अभी वीडियो के में के इसके बैकग्राउंड में इसको कूटती हूँ मैं, फिर कूटने के बाद आपको इसकी हालत दिखाऊंगी, ठीक है? कूटने को तैयार है ना आप तुम? राधिका बहुत फूट रही है, फूट रही राधिका मतलब फूट रही है, भैया राधिका फूटी पड़ी है, राधिका फूटी पड़ी है। गुड इवनिंग एवरीवन, सो निकल चुके हैं अपनी इवनिंग की वॉक के लिए, करते हैं इवनिंग की वॉक और मिलते हैं आपसे। और पार्क में एकदम बढ़िया, बच्चे बच्चे को बहुत सारे लोग हैं, और मौसम भी काफ़ी ना सुहाना सा मस्त सा हो गया है, अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छा अच्छा मौसम है, सर्दियां भी आ जाएंगी। तो चलिए कर लेते हैं वॉक, मिलते हैं आपसे वॉक के बाद। हे गाइस, वॉक करते करते शाम से हो गई है रात, और राधिका मुझे रास्ते में मिल गई थी, तो हम लोग गए मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। ये देखिए कुछ कुछ सामान लेके आए हैं,
राधिका भी कुछ सामान लाई है, अब घर पहुंचेंगे, डिनर बनाएंगे और उसके बाद ये जाएगी गाना गाने के लिए। आज तो कीर्तन मंडली आई है, आज कीर्तन मंडली आई है, लेकिन ये आज जाएंगे, लेकिन थोड़ा डांस वांस करने के लिए जाएंगे, माहौल बनाने के लिए। और हम लोग शायद आज जा रहे हैं मूवी देखने के लिए जवान, तो देख के आते हैं। बहुत ही जल्दी हमारी जवान की मूवी टिकट बुक हुई है, तो हम जाके देख के आते हैं। आंटी मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब करा था। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, बोलो हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। हेलो, हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब करा। थैंक यू बच्चों। चलिए गाइस पहुंचते हैं घर, और घर पहुँच करते हैं काम। गाइस मेरे कुछ छोटे छोटे फैंस मिल गए थे, चलो मिलते हैं, बाय गाइस। सो शाम की आरती कर लेते हैं। शाम की आरती की और दिया जलाया, धूप जलाई, थोड़ा अच्छा पॉजिटिव माहौल घर के अंदर होता है दिए और धूप की खुशबू से। सो सारा काम वॉक वगैरह फिनिश करने के बाद में अब हो गया है डिनर का टाइम, और मैं काफ़ी देर से आर्यन का वेट कर रही हूँ कि साथ में डिनर हम डेली करते हैं, लेकिन आज आर्यन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो वो फुल टू खेलने के मूड में है। बजने वाले हैं 8 o'clock, और मैं जनरली तक ना 8 o'clock मेरा 8:30 मेरा लास्ट है, मैं कर लेती हूँ डिनर। तो अभी आर्यन अभी आया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं डिनर कर लेती हूँ, तो डिनर मेरा रेडी है। और आज डिनर के अंदर क्या, डिनर के अंदर है ये पनीर सैंडविच एंड थोड़े से बादाम, मैंने थोड़े ज़्यादा भिगो दिए थे, सुबह भी खा लिए थे और अब मैं इवनिंग में भी इनको खा रही हूँ। लेते अपने सैंडविच को एंजॉय और आपसे मिलते हैं रेडी होके। हम निकलने वाले हैं आज जवान मूवी देखने के लिए, लेट नाइट शो, तो देख के आते हैं जवान मूवी। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे देखने के लिए, बट मौका नहीं लग पा रहा था। अब आर्यन के एग्ज़ाम आज खत्म हुए, आर्यन को भी पूरा देखने थे, मुझे जवान मूवी देखनी है, तो आज एग्ज़ाम खत्म हुए, अभी इवनिंग का शो देख के आते हैं और देते हैं आपको रिव्यू। तो चलिए मिलते हैं आपसे रेडी होके, बाय बाय। गाइस मुझे नीचे ही आना पड़ा है, आर्यन तो ऊपर पहुंचा नहीं है, ढूंढते हैं पार्क में कहाँ खेल रहा है। बच्चों को खेलते टाइम कोई होश नहीं रहता। ये देखो क्रिकेट खेल रहे हैं महाराज, और देखो धुनाई हो गया आर्यन की। कोई कोई टाइम का पता नहीं रहता, इधर कोई टाइम का पता नहीं रहता कितने बजे का खेलने आया हुआ है, मुझे पता है ना कहीं जाना है। आप तेरी चप्पलें वप्पलें ना सब फेंक दूंगी, नंगे पैर ही रहा कर तू, देखो कितनी बार। अब घर पे रहना, मूवी देखना तुझे नहीं लेके जाएंगे। क्यों? तू जब तू आया नहीं टाइम से, मेरे से स्माइल कर, पिट जाएगा मेरे से। स्माइल है, कोई स्माइल नहीं है, हाँ छोड़ मेरा स्माइल, इधर लिखा हुआ है स्माइल, कोई स्माइल नहीं है, हाँ छोड़, स्माइल है, घर जा स्माइल क्यों नहीं है। अब गाइस ये घर के अंदर रहेगा, हम लोग देखेंगे मूवी और तू घर पे रहेगा, अभी देखना तुझे लेके नहीं जाऊंगी, तुझे तो होश ही नहीं है। कोई टाइम वाइम का कुछ कोई आदमी सोचता तो है कि कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं जाना है। हाँ छोड़ मेरा, नहीं छोड़ रहा, छोड़ मेरा, नहीं छोड़ रहा। सो फाइनली हो गए हैं रेडी जाने के लिए, आर्यन को खुआ के अब यहाँ बैठ गया आराम से एकदम रेडी। ये आज एकदम कम्फी सा आउटफिट है, तो चलिए पहुँचते हैं फटाफट क्योंकि बहुत लेट हो गए और वो लोग नीचे हमारा वेट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे सीधा मॉल पहुँच के, बाय बाय। तो गाइस पहुंच गए हैं ग्रैंड विनाइस मॉल, एंड ये मॉल बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। आर्यन मलिक से चीज, तो आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है जवान देखने की, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फुल मज़े आ गए। चले गए पहुंचते हैं थिएटर में। आप लोग देखे नहीं रहे देखिए देखिए मिलन, देखिए मिलन, ओ, 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 गिर गए कैसा मिलन हुआ है भाई, गिर गए, उठ जाओ उठ जाओ। हेलो रिद्धि, तो चलिए गाइस पहुंच चुके हैं सिनेपोलिस, चलो आओ। तुम लोग जब फोन कर रही थी तो उठाया क्यों नहीं था, किसको किया था, शोभित को। तो चलिए गाइस करते हैं मूवी को एंजॉय, हमारे पार्टनर लोग सब हमारे साथ हैं, अब करते हैं एंट्री। ओ यस, ओ यस, बोलो मम्मा आप क्या खिलाओगी, चलो लेट मत करो। चल तुम हमें पॉपकॉर्न लेके चलते हैं। शोभित अभी एड चल रहा है, हम लोग आ रहे हैं। चलेगा
कोई खा नहीं। हाँ धोखा नहीं, ऊपर नीचे इंटरवल के बाद फिर मांगेंगे, सेफ रहेगा। अरे बाप, और मिनिमम 30 साल का रिजल्ट। गाइस पूरा फुल ऑन है, नाइट शो भी। चल बैठ आशी। ये हमारी जो है ना ये पॉपकॉर्न स्टार्टिंग में ही चाहिए। बैठी है हमारे ऋतु को दे देंगे और एक बचा लेंगे, फिर वो बाद में बैठे भूत है ना हमारे साथ। तो देखिए गाइस जंबो लेके आ रही है, जंबो पैक। ये वाला है ना हमारा। चलो चलो फटाफट भागो। चलो मैम ढूंढते हैं हमारे लोग किधर है। अरे इंटरवल हो गए, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, मजा आ रहा है। तो गाइस इंटरवल हो गया और आ रहे हैं फुल मूवी को। जब फोन करा कि कर ले, अच्छा कुकरे भी देखोगे? नहीं उसका ट्रेलर है। सो मूवी देख के जस्ट बाहर निकल के आए हैं और मूवी एकदम ऑसम थी। इतने दिनों के बाद इतना मस्त थ्रिलर देखने को मिला है और इतना सारा सस्पेंस और बहुत सारी चीजें मस्त थी। सो गाइस अगर अभी तक जवान नहीं देखी है तो जरूर जाके जवान मूवी को देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है और फैमिली के साथ देखें, इट्स अ मस्ट वॉच, बहुत ही मज़ा आया। थैंक सो जवान देख के टीम आ चुकी है बाहर। कैसी लगी शोभी जी मूवी? बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, मज़ा आ गया। ये तेरे लिए है, बेटे को मारने से पहले बाप को हाथ लगाए। सेम बाप। आर्यन मलिक आपकी फेवरेट थी, आपको शौक था, कैसी लगी मूवी? मेरे को तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी। तो चलिए गाइज मूवी देख ली है, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास मूवी थी। लास्ट शो जो था ना थिएटर के अंदर वो भी फुल हाउस था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा पूरा फुल हाउस था थिएटर के अंदर। चलिए गाइस रितु बाय, बाय कर दो, बाय जी बाय गाइस मूवी के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से हमने जवान देख ली और आर्यन का बहुत मन था। तो चलिए मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। रितु बाय कर दो, बाय तो कर दो भाई, जानबूझ के नहीं करती ना। एटीट्यूड कर ले। चलो बाय 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 जी, गुड नाइट। चलो जी गुड नाइट, बाय। गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड नाइट जी, गुड नाइट, बाय 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 बाय। आर्यन मलिक आ गए जवान देख के। सो पहुंच गए हैं घर, हमें ड्रॉप करके चले गए रिद्धि, शोभित अनु उसकी मम्मी पहुंचते हैं घर। कल तो छुट्टी है, छुट्टी कल वो सुबह सुबह बैठेंगे, कल छुट्टी है नहीं। तो चलिए घर पहुंचते हैं, करते हैं चेंज और अब करते हैं सोने की तैयारी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है 5 बजे। बाय बाय गाइस, सी यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।